अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अफशान विद इस्लामाबाद कंसल्टेंट। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हमारा टॉपिक है होलसेल, और होलसेल से रिलेवेंट कुछ क्वेश्चन मैंने कलेक्ट की है और जिसको हम इंशाल्लाह ब्रीफली देखेंगे। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो होलसेल का हमारे सामने है वो है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन होलसेल एंड प्राइवेट लेबल। सो देखिए, प्राइवेट लेबल में आप बेसिकली अपना ब्रांड बिल्ड करने जा रहे हैं, और स्पेशली जब हम बात करते हैं अमेजोन मार्केट की, तो ये $1 ट्रिलियन की मार्केट है। ठीक है, जब आप एक इतनी बड़ी मार्केट में अपना ब्रांड बिल्ड करने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको एक बहुत बड़ा बजट चाहिए है। सबसे पहले तो अपने प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग करवाने के लिए, उसके बाद उस प्रोडक्ट को उस मार्केट में रैंक करने के लिए। जब तक रैंक नहीं होगी आपकी प्रोडक्ट, तो तब तक जाहिर सी बात है कि आपको सेल्स अच्छी नहीं आएंगी। सो वहाँ पे कम्पीट करने के लिए आपको एक अच्छा और एक बड़ा बजट चाहिए। और जब हम बात करें होलसेल की, तो होलसेल ये है कि आप ऑलरेडी इस्टेब्लिश ब्रांड के प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, जो कि ऑलरेडी रैंक हैं उस मार्केट में। अगर हम अमेजोन की बात करें, तो अमेजोन पे जो लिस्टिंग ऑलरेडी रैंक हैं, जिनकी अच्छी सेल्स हैं, जिनका अच्छा रेवेन्यू है, और उनको लोग मीटू करके सेल कर रहे हैं, एज अ होलसेल उस प्रोडक्ट को सेल किया जा रहा है, तो उन प्रोडक्ट्स को आप भी बेचना शुरू कर देते हैं। तो अब डिफरेंस क्या आता है? डिफरेंस ये आता है कि प्राइवेट लेबल में आपने अपना ब्रांड बिल्ड करना है, अपना ब्रांड आपने एस्टेब्लिश करना है, जहां पे आपने ब्रांडिंग करवानी है, जहां पे आपने रैंक करना है। जबकि होलसेल में आपको ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश लिस्टिंग मिलती है, जिसको आप जाके मीटू करते हैं और उसको बेचना शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि विच मार्केट इज बेटर फॉर होलसेल, US, UK और UAE मार्केट। तो देखिए, जब हम होलसेल की बात करते हैं, तो हमें ये देखना है कि कौन सी ऐसी मार्केट है जहाँ पे ऑलरेडी अच्छी सेल्स मौजूद है, जहाँ पे अच्छा रेवेन्यू मौजूद है। ठीक है, क्योंकि होलसेल में एक ही ब्रांड की एक प्रोडक्ट को 8 से 10 लोग बैठे हुए बेच रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम किसी छोटी मार्केट में जाएंगे, छोटी मार्केट में तो ब्रांड का खुद ही अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना आसान नहीं होगा, क्योंकि वहां पे अभी भी सेल्स ही मौजूद नहीं है, या उस मार्केट में अभी इतनी ज्यादा स्पेस मौजूद नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक न्यू मार्केट है। तो फिर हम ये देखते हैं कि होलसेल में हम रिकमेंड करते हैं कि आप बड़ी मार्केट्स की तरफ जाएं। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश मार्केट्स हैं, वहां पे सेल्स मौजूद है, वहां पे अच्छा रेवेन्यू मौजूद है। तो US जो है वो सबसे बेटर मार्केट है फॉर होलसेल। अच्छा जी, उसके बाद होलसेल के लिए बजट कितना चाहिए? तो अगर आपके पास $5,000 हैं, तो आप होलसेल की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर मैं कहूँगी कि डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट की नीश क्या है, आपके प्रोडक्ट की सोर्सिंग क्या है। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट की सोर्सिंग पे ही डिपेंड कर रहा है कि आप कितना बजट लगाने जा रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए होलसेल की। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज मैं जरूर ऐड करूंगी कि रैपिड लॉन्च को मैंने पहले भी ब्रीफली एक्सप्लेन किया है कि रैपिड लॉन्च क्या है, किस तरीके से आप प्राइवेट लेबल बिजनेस के लिए रैपिड लॉन्च को यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं अब ऐड करने जा रही हूँ कि रैपिड लॉन्च को आप होलसेल के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो किस तरह से कर सकते हैं कि देखिए, होलसेल में तो आपने कोई ब्रांडिंग भी नहीं करनी। ठीक है, ना आपने ब्रांड रजिस्टर्ड करवाना है, सिर्फ और सिर्फ आपने प्रोडक्ट उठा दी होती है, मीटू करना है आपने, और आपने अमेजोन के वेयर हाउस में भेज दी और उनको आपने सेलिंग पे लगा दिया। तो अब यहाँ पे आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ जा सकते हैं, मल्टीपल आइटम्स के साथ जाएं, आप मल्टीपल आइटम्स को के साथ होलसेल स्टार्ट करें, और फिर ये देखें कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, फिर उस प्रोडक्ट को आगे आप फर्दर लेके चले, और जिस प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा, आप उसको लीव कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे भी आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि प्राइवेट लेबल को तो आप एक प्रॉपर बिजनेस के तौर पे लेके जा सकते हैं, क्योंकि वो आपका अपना ब्रांड है, लेकिन होलसेल में ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, होलसेल भी एक ऐसा बिजनेस है जिसको अगर आप प्रॉपर बिजनेस के तौर पर लेके चल रही हैं, प्रॉपर स्ट्रेटेजीज यूज कर रही हैं होलसेल के लिए, तो इसमें भी आप एक बहुत अट्रैक्टिव रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। वो किस तरह से कि देखिए, हम सोचते हैं हम एक प्रोडक्ट लॉन्च कर लें, होलसेल में 2 प्रोडक्ट कर लें। ठीक है, और मिनिमम हमारे पास चाहिए, हमें पता है कि होलसेल में 10 to 15% प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो बजाय इसके कि आप एक या 2 लॉन्चेस करें, अगर तो आपके पास अच्छा आपके पास बजट मौजूद है, तो आप 8 से 10 आइटम्स को लॉन्च करें होलसेल प्रोडक्ट में, या इससे भी आप ऊपर जा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जितने ज्यादा आपके पास आइटम्स होंगे, आपके प्रोडक्ट्स होंगे, तो उतना ही आपको रेवेन्यू आपका जनरेट हो रहा होगा। ठीक है, और आप
आपकी एक अच्छी वेबसाइट भी डेवलप हो रही होगी कि आप इतने प्रोडक्ट्स जो है वो सेल कर रहे हैं। और यहाँ पे भी हम रिकमेंड करते हैं कि एक नीश में काम करने की कोशिश करें, ठीक है। जो भी बिजनेस है, चाहे वो प्राइवेट लेबल है या वो होलसेल है, अगर आप एक नीश में काम करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है आपके लिए, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों की बेसिक क्यूरीज रिजॉल्व हुई होंगी। इसके अलावा अगर आप लोगों की कोई क्यूरीज है होलसेल को लेकर तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि उस पर को भी मैं वीडियो की सूरत में आप लोगों को रिप्लाई करूं, ताकि आप लोगों को चीज़ें ज़्यादा क्लियरली समझ आ सकें। थैंक यू सो मच। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।